20 के 50 के 50 में क्या है? पानी वाला नारियल माता जी का पूरा श्रृंगार। यहाँ पे हमने ये प्रसाद ले लिया है कुछ इस तरीके से, और अभी बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और अभी हम लोग आ गए चंडी देवी, देखिए यहाँ पे सब लोग, उधर राहुल। अभी हम लोग जा रहे हैं कढ़ाई करने के लिए, तो वीडियो में बने रहना, ये वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। ये रहा गेट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रहा गेट, और अब यहाँ से हम पैदल की कढ़ाई करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। बजाओ चलो, तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पैदल चलते चलते, और भाई यहाँ पे नीलकंठ की फीलिंग हो रही है, मैं तो फर्स्ट बार जा रहा हूँ, पता नहीं कितनी ऊपर है अभी, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ प्यार से ब्लॉग में। लो भाई पानी भी नहीं मिला यार, शंकर जी हैं जी बताओ, ये वो वाले देख तो लग रहा है, ये तो दूसरे वाले, मेरा तो ना आधार कार्ड देखिए, यहाँ पे कुछ मिल गया शायद राहुल को, किसी के एड्रेस प्रूफ वगैरह हैं शायद। कहाँ के राहुल, कहाँ के? मध्य प्रदेश आ जा फिर, हम तो उत्तर प्रदेश के हैं। वो है मंदिर वहाँ पे, आ जाओ भैया आ जाओ। तो भाई चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ एक अजीब सी चीज़, क्या है क्या है, इसको क्या बोलते हैं बताओ भाई? रामफल है गाइस, ये रामफल। यार यहाँ कोई बेचने वाला नहीं है, अपने आप बिक रहे हैं राम जी। हाँ फ्री सेवा, कंदमूल फल। और मंदिर की अगर बात करें तो ये देखिए, अभी इस पेड़ के उधर जाना है शायद हमें, ऊपर है ना, हाँ उधर ही, तो वहाँ पे मंदिर है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो गया पूरा पोपट, यहाँ पे पूरा हमारा पोपट हो गया। हम लोग आए थे मतलब लॉन्ग रास्ते से, सोच रहे थे आसानी से चढ़ाई हो जाएगी, मगर यहाँ तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और ये इधर विष्णु और उमेश, अरे तो सर कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी वाली। और गाइस ये जो बंदा है ना, ये लालची खोर भंडारे करने के लिए आया है, कह रहा है यार भंडारा तो कहीं भी नहीं मिल रहा। तो गाइस यहाँ पे ना दो रास्ते हैं, एक सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं, तीन है, तीन तो अच्छा, तो तीन तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। एक तो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं पैदल, ये थोड़ा लॉन्ग है, कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है यार, हम सोच रहे थे कि थोड़ा मतलब आसानी से चढ़ जाएंगे, मगर काफ़ी चढ़ाई है भाई, एकदम नीलकंठ वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और एक जो पैरियों से चढ़ सकते हैं हम सीढ़ियों से, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम बना हुआ है, मतलब जैसे कि मनसा देवी पे था ना सीढ़ियाँ बनी हुई थी, इस तरीके का बना हुआ है। पर एक हम इलेक्ट्रॉनिक वो जो क्या बोलते हैं लिफ्ट है, उससे भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए अभी लोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं रेस्ट, अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, चलो चलो आओ, अरे आओ चलो चलो फिर बैठेंगे, चलो बैठो बैठो बैठो। और खाओगे खीर तरबूज? तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमने ये प्रसाद ले लिया है कुछ इस तरीके से, और अभी बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मंदिर से पहले ही आप अगर प्रसाद ले लोगे तो अच्छा रहोगे, क्योंकि मंदिर पे पहुँचने के बाद ये प्रसाद जो हमने 50 रुपये का लिया, ये प्रसाद वहाँ पे 100 रुपये का मिलेगा। तो मंदिर से नीचे ही आप प्रसाद लेके जाएं, और वहाँ पे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा महंगा देते हैं, सारा कुछ वहाँ पे महंगा मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं और आगे आपको, बने रही वीडियो में। ठंडा पानी देखो अच्छा यार, ये टंकी बंद करो यार, वो चालू करके चले गए फालतू में, जब तक ऐसी पानी ना मिल जाए दूर दूर तक, लेकिन यार ठंडा पानी किसी में, किसी ने जबरदस्ती लगा दी, दिखा मुझे कहाँ सा लग रहा है यार। आ गए हैं मंदिर के पास में, आ गए जस्ट, भीड़ देख लीजिए आप किस तरीके से कितनी है, देखिए यहाँ पे भक्तों की भीड़। चलो चलो चलो, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की।
मैं देख रहा हूँ भैया बस तो चलो चलो भैया चलो बड़ो 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 दिग्गी माता रानी दिग्गी 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 चलो 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 प्रसाद भी चढ़ गया है मंदिर से आ रहे हैं वीडियो बनाने अलाउ तो आने जा रहा मतलब दर्शन भी करने थे तो चलिए चल रहे नीचे मंदिर आ गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरे रास्ते से जा रहे हैं नीचे सीढ़ियों वाले रास्ते से जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि तीन तरीके से यहाँ ऊपर आ सकते हैं एक क्या बोलते हैं लिफ्ट से और इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट जो है वो लगी हुई है यहाँ पे उससे भी ऊपर आ सकते हैं और बाकी का हम सीढ़ियों वाले रास्ते से और एक वो लॉन्ग वाला रास्ता था प्लेन सड़क वाला उससे भी। तो गाइस अभी हम लोग आ गए यहाँ पे थोड़ा नीचे इस तरीके से यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं मैं आपको बताऊँ और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे ना धर्म के नाम पे यार कुछ लूट खसरोट कुछ ज़्यादा नहीं है। हमने अभी नींबू पानी पिया ऊपर तो वहाँ पे 10 रुपये का बोल के उसने 20 रुपये लिए बोलता है कि आपने बड़ा गिलास पी लिया। अभी वही प्रसाद आप नीचे से ले लो 50 रुपये का अगर आप मंदिर पे ऊपर जाते हो तो वही प्रसाद 100 रुपये का। तो इतनी लूट खसरोट यार क्यों गलत है ना आपकी क्या राय एक बार कमेंट करके बताओ जरा फटाफट। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे नीचे उतर रहा था तो यहाँ पे एक दुकान मिल गई है देखिए यहाँ पे भैया आपके पास प्रसाद कितने कितने वाले हैं आपके पास 20 के 50 के 20 के 50 के 50 में क्या है पानी वाला नारियल माता जी का पूरा सिंगार। अच्छा पूरा है सब कुछ पूरा अच्छा इसमें नारियल भी है और माता जी का सिंगार। तो गाइस ये देखिए ये दुकानदार हैं ये भाई सब खड़े हैं इनके पास यही प्रसाद 50 रुपये का। अगर आप यही प्रसाद जाके मंदिर पे लेते हो ना तो वो लोग वहीं पे ना पता है 100 रुपये का प्रसाद देते हैं। तो पता नहीं यार क्या सीन है यहाँ का मेरे तो समझ नहीं आता। धन्यवाद भैया यहाँ पे कितना खतरनाक रास्ता है और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट के चक्कर में। ये देखिए ये है यहाँ पे रास्ता शॉर्टकट की वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभी। तो आप लोग ज़्यादा शॉर्टकट की जाने की कोशिश ना करना। तो गाइस फाइनली ऊपर से चंडी से तो हम नीचे आ गए हैं सब लोग और हम लोग आ गए हैं अभी वहीं पे जहाँ से गए थे सुबह में यानी हरिद्वार आ गए हैं और ये रही यहाँ पे माता गंगा और ये रहे हमारे दोस्त सब के सब। ये देखिए यहाँ पे स्नान कर रहे हैं कुछ इस तरीके से और अभी मैं भी जाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्यार से कमेंट कर देना कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।